ग्रेटर रिस्क कैन लीड टू ग्रेटर रिवॉर्ड्स। लाइफ में ये फ्रेज डेफिनेटली फिट बैठता है, लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट और वहां इन्वेस्टेड हमारे पैसों की हो, तब क्या हम ये नहीं चाहते कि कम से कम रिस्क लेकर हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके? 20, 30, 40 या उससे ज्यादा साल पहले किसी इंसान ने एक कंपनी स्टार्ट की है, उसे प्रॉफिटेबल बनाया है, उसके अराउंड एक रेपुटेशन क्रिएट किया है और तब जाकर वो कंपनी एक लार्ज मार्केट कैप के साथ आज के दिन शेयर मार्केट पर ट्रेड हो रही है। ऐसी कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज और उनके स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है, जिनकी शेयर वैल्यू दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफी हाई होती है। आज के इस वीडियो में हम ब्लू चिप स्टॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनमें इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। एंड वी प्रॉमिस गाइस दैट नो चिप्स वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। लेकिन गाइस, उससे पहले एज यूजुअल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। So if you're ready, then let's start with the characteristics of blue chip stocks. First is assured returns, जो कि आपको regularly dividends के form में receive होते हैं और इसीलिए ज्यादातर investors के लिए well-established companies एक safe investment option की तरह काम करती हैं। Second characteristic is creditworthiness. Blue chip companies के पास जिसकी help से वो easily अपने debts को repay कर सकती हैं। As a result, इन companies के stocks भी highly creditworthy होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक इज लो रिस्क फैक्टर, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स उन लार्ज कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्टेबल होती है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टर्स ब्लू चिप स्टॉक्स से जुड़े रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इन्वेस्टमेंट हराइजन। टिपिकली ब्लू चिप स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट टर्म 7 ईयर्स से ज्यादा ही होता है, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए काफी सूटेबल पीरियड है। आर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ पोटेंशियल। अगर कोई एंटिटी ब्लू चिप कंपनी है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है और उस कंपनी के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में स्लो एंड स्टेडी ही ग्रो करेंगे। गाइज, ब्लू चिप स्टॉक्स का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है टैक्सेशन। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग ब्लू चिप शेयर से होने वाले प्रॉफिट्स या गेन्स को इनकम कंसिडर किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्सेशन का रेट 15% है, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 10% टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर यह अमाउंट 1 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स। अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सेलेंट मार्केट वैल्यू और क्रेडिट वर्दीनेस के चलते ब्लू चिप कंपनीज इन्वेस्टर्स को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट रिटर्न्स। मार्केट चाहे बुल फेज में हो या फिर बेयर फेज में, ब्लू चिप कंपनीज आपको हमेशा डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड बेनिफिट ये है कि ब्लू चिप स्टॉक्स आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जनरली उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 ईयर्स से ज्यादा होता है और इस टाइम में इजिली आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स का थर्ड बेनिफिट है कि वो आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को काफी इजी बना देते हैं, क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज वेरियस सोर्सेस से अपना रेवेन्यू जेनरेट करती हैं, जिससे वो इजीली अपने ऑपरेशनल लॉसेस और बिजनेस फेलियर्स को मैनेज कर पाती हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स का फोर्थ बेनिफिट है उनकी लिक्विडिटी। एक डिजायरेबल इन्वेस्टमेंट चॉइस होने की वजह से इन्वेस्टर्स फ्रीक्वेंटली ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड करते रहते हैं, जिससे ये मेक श्योर होता है कि आप कभी भी अपना पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में डाल और निकाल सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स का फिफ्थ बेनिफिट है कि वो इन्फ्लेशन, रिसेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के इम्पैक्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखते हैं। एंड लास्टली, ब्लू चिप स्टॉक्स अपने लो रिस्क बर्डन और मार्केट क्रेडिबिलिटी के चलते रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए एक सूटेबल ऑप्शन होते हैं, जहां इन्वेस्टर्स सेफ और रिलायबल तरीके से अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो ऑन ब्लू चिप स्टॉक्स। यहाँ हमने जाना कि मार्केट की एलीट कंपनीज को हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं और उनके स्टॉक्स को ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है।
ऐसे स्टॉक्स आपको लिक्विडिटी, हाई क्वालिटी, सॉलिड फंडामेंटल्स और एक गुड रेपुटेशन ऑफर करते हैं, और इन्हीं सेम क्वालिटीज की वजह से ब्लू चिप स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक कि रिस्क टेकर्स भी ब्लू चिप स्टॉक्स की हेल्प से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड एज पर आवर प्रॉमिस वी हैवंट हार्म्ड एनी चिप्स ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। आगे भी हम स्टॉक्स के वेरियस कैटेगरी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑफ 5 पैसा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून।